हेलो गाइस, वेलकम बैक लर्न कोडिंग विद भाई। तो भाई आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। हुई है भाई, फिर से बोलना पड़ रहा है। एट द रेट आज़ाद मलिक रोहित, ये मेरा चैनल है। आप चैनल पर आओ, चैनल सब्सक्राइब करो, कोडिंग से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी। आप वीडियो लर्न करो, अपनी स्किल को बढ़ाओ और अच्छा काम करो, अच्छे पैकेज बजाओ, अच्छा पैसा कमाओ। यही है मेन तो पर्पज़ इसका। तो ना भाई, मैं ना रिएक्ट जेएस पे प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, बेसिक टू द एडवांस लेवल। तो उसके ना कुछ 11th वीडियो मैं बना चुका हूँ रिएक्ट जेएस की, बेसिक एडवांस लेवल पर। तो ना ऑलमोस्ट बेसिक ना हमारा कवर से होने वाला है, उसके बाद इंटरमीडिएट करेंगे, फिर हम एडवांस स्टार्ट करेंगे। नाउ आज का हमारा टॉपिक है राउटर। राउटर बेसिकली क्या होता है, राउटिंग हमें कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है, कहाँ यूज करते हैं, वो सब आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। किसी भी साइट पे सपोज करो मेरी ये NPX की साइट है, इस पर कहीं पर भी लिंक लगा हुआ, देखो जैसे यहाँ पे ही रहा, ठीक है। प्रो है, ट्रीम्स है, प्राइजेस है। अगर मैं प्रो पे टीम पे क्लिक करूँ, प्रो पे क्लिक करूँ, तो देखो नीचे ना बॉटम साइड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, /product/pro, बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं प्रो पे क्लिक करूँ तो ये मेरा प्रो पे देखो URL चेंज हो गया। प्रो पे चेंज करने के बाद मेरा देखो रेंडर हो गया, पूरा चेंज हो गया। और अगर मैं प्रो पे टीम्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा टीम वाला पेज आ जाएगा, URL में मेरा product/team आ गया और मेरा दूसरा UI आ गया जो भी इससे रिलेटेड होता है। ये बेसिकली हमारी राउटिंग होती है। राउटिंग में क्या होता है कि भी हमें क्या करना है, कैसे करना है राउटिंग। मान लो मैं भी बैक से चले जाता हूँ 2 स्टेप पीछे, तो वापस में वही आ गया कि भी मेरा NPM है, NPM में मैंने रिएक्ट राउटर डोम यूज करना है, तो उसके थ्रू हम राउटिंग देखेंगे। और राउटिंग में ना आज हम सारे स्टेप कवर करेंगे। सिर्फ राउटिंग ही नहीं, राउटिंग के अलावा और भी रिएक्ट राउटर डोम में क्या क्या होता है, कैसे हम नेस्टेड राउटिंग कर सकते हैं, कैसे हमें डायनेमिक URL पास करते हैं, कैसे हम URL के थ्रू जो हमारा डेटा होता है वो हम एक्सेस कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। नाउ लेट्स क्लोज टू द माई चैनल टैब एंड नाउ गो टू द विजुअल स्टूडियो कोड एंड क्रिएट ए न्यू रिएक्ट ऐप। क्रिएट NPX, क्रिएट रिएक्ट ऐप, रिएक्ट राउटर। मैंने रिएक्ट राउटर से एक ऐप बना दिया है जिसमें कुछ नहीं, एक पब्लिक फोल्डर है, एक SRC फोल्डर है, मेरा package.json है। अगर आप package.json में देखोगे तो हमारी वही है कि भी 3 चीज़ें इसमें इंस्टॉल हो चुकी हैं डिपेंडेंसीज के अंदर, रिएक्ट, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट एंड वेब वाइटल, जो कि NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू हमने एक ऐप बना ली है। नाउ अब मैं अपना रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल करता हूँ, NPM रिएक्ट राउटर डोम एंटर, तो इसकी ना मेरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाती हैं। बेसिकली होता क्या ना कि जो आप रिएक्ट इंस्टॉल करते हो तो ना उसमें रिएक्ट की जो राउटर है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं मिलता आपको, आपको ना इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हम ना SRC फोल्डर के अंदर कुछ फाइलें बना लेते हैं। इसको ना मैंने ऑलरेडी cd /react-router के अंदर जाके NPM स्टार्ट किया हुआ है, और NPM स्टार्ट मेरा क्या क्या करेगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देगा और मेरी ऐप को localhost 3000 पे ओपन कर देगा। मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये मेरी बॉयलर प्लेट ओपन हो गई है SRC app.js। अब नाउ अगर SRC फोल्डर के अंदर, तब तक मेरी ये रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो रहा है, देखो इंस्टॉल भी हो गया। कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ पहले मैं बता देता हूँ, रिएक्ट राउटर डोम 6.5.0 इंस्टॉल हुआ है और रिएक्ट मेरी 18.2 है, तो ये है बेसिकली। अब नाउ SRC फोल्डर के अंदर हम यहाँ चलते हैं अपनी app.js, जिसमें कि मेरा यहाँ पे ये कोड है, हेडर का लोगो हो और एडिट वगैरह है। तो मैं अभी ये सारा कोड हटा देता हूँ, हेडर वाला, क्लास नेम भी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे ऐप से। एक डिव है और डिव के अंदर सिंपल मैंने H1 टैग लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्ट राउटर डोम की हमारी राउटिंग कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के साथ। आ गया मेरा रिएक्ट राउटर डोम, सेम चीज़। अब नाउ नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट टैब पे चलते हैं। हम अपना NPX को भी बंद कर देते हैं, ये हमारी ऐप चल रही है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि भी हमें राउटिंग यूज, सबसे पहले ना हमें कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, SRC फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं हम, कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैंने एक फाइल बनाई header नाम से, जिसमें हमारी नेविगेशन होगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और बना लेता हूँ फाइल, हमारी कौन सी, मैं बना लेता हूँ home.js।
अब नाउ नेक्स्ट होम डॉट जे एस के बाद हम बना लेते हैं एक अपनी फाइल अबाउट, ABOUT अबाउट डॉट जे एस। अब नाउ एक फाइल हम और बना लेते हैं कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट डॉट जे एस। ये मैंने फाइलें बना ली हैं। अब नाउ मैं अपने होम फाइल पे जाता हूँ। सबसे पहले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। मैंने सबसे पहले अब एक कंपोनेंट बनाता हूँ, कॉन्स्ट मेरा जाएगा यहाँ पे होम कम्पो COMPONETS कंपोनेंट्स। नाउ फैट एरो, फैट एरो आपको पता ही है क्या होता है। नाउ फैट एरो में मैंने रिटर्न्स में रिटर्न डाला मैंने, और रिटर्न के अंदर मैंने किया रिएक्ट फ्रेगमेंट्स, और रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे डाला हेलो आई एम होम पेज, सॉरी होम पेज कंपोनेंट्स। ठीक है, तो भाई देखो मेरी वीडियो ना थोड़ी सी लंबी है मैं मानता हूँ, लेकिन ना इसमें एक्सप्लेन मैं उसके हिसाब से करता हूँ। ये नहीं कि पहले आपको कोड करके मैंने करा दिया फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपके साथ कोड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी बन जाती है, ताकि से ना एक्सपो भी एक्सपीरियंस होता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन नाउ, एक्सपोर्ट की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम कंपोनेंट्स। मैंने इसको सेव किया। अब नाउ नेक्स्ट, सेम जैसे मेरा होम है अभी मैं सिंपल के ना एक बॉयलर प्लेट बना देता हूँ। अबाउट के मैंने सेम ऐसे ही कर दिया, होम की जगह मैंने गया अबाउट कर दिया यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट्स, एंड नाउ एक्सपोर्ट भी मैंने यहाँ पे अबाउट कर दिया, होम पेज है इसको भी मैंने अबाउट कर दिया, ताकि हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब नाउ नेक्स्ट, सेम मैंने क्या किया अपना कॉन्टैक्ट पे भी कर दिया। अब जो अबाउट है, अबाउट मैंने क्या कर दिया कॉन्टैक्ट कंपोनेंट्स, ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक है भाई, अभी सारा सब कुछ कर दिया हमने। अब नाउ नेक्स्ट, जो मेरा होम है अगर मुझे होम को शो कराना हो तो एक सिंपल चीज़ है, मैं क्या करूँगा होम कंपोनेंट में गया, अपने ऐप डॉट जे एस में गया, और यहाँ पे मेरा अच्छा लोगो रिक्वायरमेंट नहीं है, लोगो मैंने डिलीट मार दिया, और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट क्या इंपोर्ट कराया होम कंपोनेंट्स फ्रॉम कहाँ से, मेरा कंपोनेंट्स के अंदर से, कंपोनेंट्स के अंदर से कौन सा है मेरा होम वाला। ठीक है, अभी जो होम कंपोनेंट है इसको मैंने क्या किया यहाँ पे कॉल करा दिया, सॉरी मैंने सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे डाल दिया था, ये मेरा हो गया। नाउ नेक्स्ट, मेरा कोड कंपाइल हुआ ब्राउज़र पे, मेरा कोड चेंज हो गया हेलो आई एम होम पेज कंपोनेंट्स। अब नाउ ये तो मेरा भाई ये हो गया। अब नाउ बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि ना हमारा होम पेज है ये, तो मैं राउटर्स बनाते हैं। राउटर हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता है रिएक्ट राउटर डोम, जो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर नहीं है तो देखो मैं आपको पैकेज डॉट जेसन में दिखा देता हूँ, जो हमें स्टार्टिंग में किया था रिएक्ट राउटर डोम, राउटिंग की पर्पज़ से, राउटिंग करने के लिए। तो नाउ राउटर के करने के लिए हम एक फाइल और बनाते हैं यहाँ पे अपनी, जहाँ पे मैंने कंपोनेंट बनाया ना, मैं कंपोनेंट के अलावा यहाँ पर एक फाइल और बना लेता हूँ, या फाइल बना सकते फोल्डर बना सकते हो, मैं इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ क्या भाई, राउटर राउटर कॉन्फिग डॉट जे एस। आप मतलब मैंने राउटर राउटर कॉन्फिग लिखा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, राउटर दे सकते हो, रूट दे सकते हो, जो आपको ठीक लगे। सेम बेसिकली ये हमारा ना एक एज ए कंपोनेंट ही रहेगा, सेम वही सबसे पहले इम्पोर्ट रिएक्ट, सॉरी रिएक्ट की स्पेलिंग गलत होगी मेरी, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब मैंने क्या करता हूँ, कॉन्स्ट बनाया मैंने राउटर कॉन्फिग कंपोनेंट्स, मैं इसका नाम दे देता हूँ, और मैंने फैट एरो यूज किया, और फैट एरो में मैंने सेम इसको रिटर्न करा दिया। क्या रिटर्न कराया भाई, सेम चीज़ वही आपका रिएक्ट फ्रेगमेंट। अब रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर मैं भी फिलहाल यहाँ पे डाल देता हूँ राउटर कॉन्फिग फाइल, अभी मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, सिर्फ एज ए नाम एक कंपोनेंट ही बना रहा हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, अरे स्पेलिंग फिर से हो गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड नाउ ये आ गया हमारा। अब नाउ मैंने क्या किया, जो ये फाइल है मुझे कहाँ लगानी है, अपनी ऐप में लगानी है, कहाँ पे मेरा, जहाँ मैंने होम कंपोनेंट कॉल किया, अभी मुझे यहाँ पे होम कंपोनेंट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने रूट फाइल को अपनी को उसको कॉल किया है, चेंज हो गया, और ये मेरा गया यहाँ से गया और होम से गया, और इसका मैंने रूट डेस्टिनेशन अपना चूज कर लिया
राउटर कॉन्फिग, मैंने सेव कराई फाइल अपनी, ठीक है। अब राउटर कॉन्फिग ये आ गया, तो अब मेरा ये कंपोनेंट रेंडर होगा। कहाँ पर रेंडर होगा, देखा जाएगा ना, रिएक्ट राउटर डोम, राउटर कॉन्फिग फाइल। अब मेरा क्या बनेगा, अबाउट बनेगा पेज, ए बी ओ टी वी अबाउट। अबाउट पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे अबाउट का पेज आना चाहिए, जो कि अभी तो राउटर का ही आ रहा है, ठीक है। और अबाउट के बाद मैं क्या करूँ, कॉन्टैक्ट, ये मेरा भाई कॉन्टैक्ट का पेज आना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट का नहीं आ रहा। चलिए हम वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबसे पहले। अब राउटर कॉन्फ़िग के अंदर मुझे ना कुछ चीज़ें इंपोर्ट करानी है। क्या इंपोर्ट करानी है, इंपोर्ट, इंपोर्ट हमारी जाएगी यहाँ पे जो आपका ब्राउज़र होगा, इंपोर्ट ये जाएगी इसके अंदर फ्रॉम FROM फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। एक हमारा आता है ब्राउज़र राउटर, BROWSERROUT है ब्राउज़र राउटर। आप इसको डायरेक्ट ब्राउज़र राउटर भी यूज कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको एज ए राउटर भी ले सकते हो। राउटर, राउटर ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और एक हमारा जाएगा रूट्स, ROUTES रूट्स, और एक आएगा आपका रूट। ये चीज़ें जाएंगी यहाँ पे। आप इसको ब्राउज़र राउटर एज ए राउटर आप कुछ भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको ब्राउज़र राउटर भी यूज कर सकते हो ना। चलिए ब्राउज़र राउटर यूज कर लेते हैं, ब्राउज़र, ब्राउज़र राउटर में गया, राउटर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और इसको मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे इसको कॉल किया। अब इसके अंदर जो मेरा ब्राउज़र राउटर होगा, इसके अंदर मैंने जाना है यहाँ पे रूट, ROUT रूट, रूट जाएगा मेरा। और रूट के अंदर आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइलें होंगी, जो हमें जाना है, कहीं पर भी जाना है, वो वहाँ पे हमारी जाएगी रूट। मेरा ये मेरा रूट आ गया यहाँ पे। अब नाउ रूट, रूट के बाद क्या है हमारा, रूट में हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेट करनी है। यहाँ पे हम इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग कर देते हैं। यहाँ पे क्या चीज़, इसके अंदर एक होती है हमारी पाथ, पाथ इन द सेंस कि आपका कौन सा URL है। सपोज मेरा होम पेज का URL है, और एक हमारा आता है एलिमेंट, एलिमेंट्स में हमारा कौन सा कंपोनेंट जाएगा वो हमें प्रिंट कराना होता है यहाँ पे। अब नाउ हमारा क्या है, होम पेज है, तो मैं होम पेज के भी यहीं पर ही इंपोर्ट करूँगा होम पेज कंपोनेंट। राउटर कॉन्फिग में गया मैं, अब नाउ यहाँ पर हमारा आ जाएगा इंपोर्ट फ्रॉम FROM फ्रॉम, हमारा क्या चला जाएगा कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर से, ये होम पेज, होम पेज हमारा, होम कंपोनेंट्स। तो होम कंपोनेंट्स हम जैसे कंपोनेंट्स कॉल करते हैं, सेम आपका वैसे ही कॉल जाएगा। नाउ ये चीज़ें होगी, अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट होम कंपोनेंट कॉल होगा हमारे पेज पे। पेज हमारा पूरा जैसे ना राउटर कॉन्फिग फाइल आ रहा है, मेरा कोड कंपाइल होगा और ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्लैश है, स्लैश हमारा हमेशा इंडेक्स डॉट पे काम करता है। देखो आगे ना, हेलो आई एम होम पेज कंपोनेंट्स। अब नाउ नेक्स्ट, सेम चीज़ें हम क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे अबाउट का ना मेरा अबाउट पेज बनाया था यहाँ पे, ये रहा अबाउट कंपोनेंट्स। अब मैं अबाउट्स को भी कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, कहाँ गया मेरा, राउटर कॉन्फिग फाइल के अंदर। नाउ सेम चीज़ मैंने क्या किया, इंपोर्ट लिखा, आपका ही अबाउट गया, फ्रॉम गया, और इसके अंदर से सेम मैंने क्या किया, कंपोनेंट्स के अंदर से ही आपका अबाउट चला गया। अब अबाउट्स के बाद मैं एक हमारा कॉन्टैक्ट का हो रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट का आप कॉपी कर लोगे यहाँ से। नाउ गो टू द राउटर कॉन्फिग फाइल्स, देन इंपोर्ट्स, सॉरी इंपोर्ट फ्रॉम, एंड योर कंपोनेंट्स पाथ नेम नाउ दिस इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट कंपोनेंट फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश कॉन्टैक्ट। फाइल की एक्सटेंशन हमने नहीं लगाई यहाँ पे, वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। सेम मेरा क्या जाएगा, अबाउट, और यहाँ पे मेरा जाएगा कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट, भाई इस पे हो। अगर मेरा राउट इस पे जाए तो मेरा अबाउट का कम, अगर स्लैश अबाउट हो तो मेरा अबाउट का कंपोनेंट जाए, और कॉन्टैक्ट हो तो मेरा कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट जाए।
ये मैंने सेव करा लिया यहाँ पे, कोड मेरा कंपाइल हो रहा है यहाँ पे। कोड कंपाइल होने के बाद सक्सेसफुली हो गया, मैं अपने पेज पे आया तो देखो हेलो आई एम होम पेज कंपोनेंट आ रहा है। अगर मैं स्लैश यहाँ पे अबाउट करता हूँ तो क्या जाएगा, मेरा अबाउट का कंपोनेंट आना चाहिए, हेलो आई एम अबाउट कंपोनेंट। सेम अगर मैंने यूआरएल में कॉन्टैक्ट किया तो मेरा कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट आ गया, देखो यहाँ पे सेम चीज़। ठीक है, ये हमारी चीज़ें आ गई हैं। नाउ हम इसको इंटरलिंकिंग करते हैं। इंटरलिंकिंग कहाँ था, हमारा हेडर के अंदर था ना, यहाँ पे हम इसमें कर लेते हैं इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। नाउ नेक्स्ट कॉन्स्ट स्पेस एच ई ए डी ई आर हेडर कम्पो पी कम्पोनेंट से का मैंने बना दिया, फैटरो यूज किया आपका, फैटरो के साथ हमारा यहाँ पे जाएगा रिटर्न। अब रिटर्न में सेम वही चीज़ है हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट, मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट ना करके यूएल यूज कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सिंगल आइटम रिटर्न में जाएगा। और इसके अंदर सेम चीज़ मैंने क्या किया, एल आई को रिपिंट, अरे सॉरी ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बन गए थे अपने आप यहाँ पे। हाँ नाउ एंकर के अंदर, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, लिंकिंग के अंदर ए गया, एच आर एफ गया, एच आर एफ स्लैश क्या भाई होम पेज जाए मेरा, ख़त्म बस। और सॉरी एंकर टैग आ गया, ये मेरा यहाँ पे होम आ जाएगा। अब सेम चीज़ मैंने क्या किया, एक मेरा होम आ गया और एक यहाँ पे मेरा अबाउट आ गया। अबाउट अब नाउ इसके अंदर मेरा अबाउट गया। अब सेम चीज़ एक मैंने एक और बना दिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट और मैंने क्या किया कॉन्टैक्ट कर दिया। और इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करने के लिए मैंने यूएल के अंदर एक क्लास नेम डाल देते हैं, क्लास नेम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, क्या कर दिया मैंने लिस्ट नैव बार, बस सेव किया मैंने। अब नाउ पहले ना हम हेडर कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करा लेते हैं डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट हमारा आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट आ गया हमारा डिफ़ॉल्ट एंड आपका हेडर कंपोनेंट, सॉरी हेडर कंपोनेंट्स। भाई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, अगर नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ जाके एक बार प्लीज़ रीड कर लेना अगर आपको नहीं पता हो तो, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप बाय डिफ़ॉल्ट इम्पोर्ट क्यों करते हो, डिफ़ॉल्ट क्यों लगाते हो। नाउ इम्पोर्ट हेडर कंपोनेंट्स फ्रॉम आपका, हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारा ये जाए कंपोनेंट्स के अंदर और हमारा हेडर की फाइल, हमेशा फाइल का नाम जाएगा उसकी एक्सटेंशन नहीं जाएगी, या आप हमेशा क्लियर रख करके रखना। अब नाउ इसको हमें कहाँ कॉल करना है, इसको मुझे कॉल करना है ब्राउज़र राउटर के अंदर, ये मैंने क्या किया यहाँ पे कॉल कर दिया इसको डायरेक्ट, सेव किया, मेरा कोड कंपाइल होगा, यहाँ मेरा हेडर आ जाएगा और नीचे मेरी पाथ आ जाएंगी, सारा स्ट्रक्चर है। मैं गो टू द ब्राउज़र, देखो होम आ गया, अबाउट आ गया। अब मैंने क्या किया अबाउट पे क्लिक किया तो मेरा भाई अबाउट का आ गया, होम पे क्लिक किया तो भाई होम कंपोनेंट आ गया, कनेक्ट पे किया तो कनेक्ट पे आ गया। एक बार ना मैं इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, स्टाइलिंग हमारी मैंने क्या लगाई थी क्लास यहाँ पे, ये रही यहाँ पे क्लास ना हमारी, हाँ लिस्ट नेव बार, लिस्ट नेव बार में जाके हमारी क्या भाई ऐप डॉट सी एस एस, और ऐप डॉट सी एस एस के अंदर लास्ट में मैं गया, मैंने यहाँ पे ऐप डॉट हेडर छोड़ो भाई, यहाँ पे आ जाओ ना डॉट, ये गया मेरा, और इसका मैंने क्या किया लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, मार्जिन ज़ीरो एंड पैडिंग भी ज़ीरो। और उसके साथ साथ ना मैं यहीं पर ही ये और डाल देते हैं कि भी इसके अंदर जो एल आई हो उसका भी सेम यही जाए, और एल आई के अंदर जो मेरा एंकर सॉरी पहले ना एल आई ना हमारा डिस्प्ले ब्लॉक है, तो इसको हम ना इनलाइन ब्लॉक बना लेते हैं, पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो ये मेरा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बन गया, और मैं इस पर वर्टिकल अलाइन टॉप कर लेते हैं, वर्टिकल अलाइन टॉप। अब नाउ नेक्स्ट, अब जो एल आई है, अब एल आई पे ना मैं एक थोड़ा सा मार्जिन भी डिफाइन कर लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट मेरा 10 पिक्सल चला जाए बस। अब इसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है उसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर बना लेता हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा रीडेबिलिटी अच्छा रहे, डिस्प्ले ब्लॉक ब्लॉक कर लिया मैंने उसको। और भाई बैकग्राउंड मैंने कर दिया उसको, बैकग्राउंड ग्रे ले लेते हैं, ग्रे बैकग्राउंड ग्रे कर दिया, पैडिंग मैंने डबान कर दिया 10 पिक्सल एंड 15 पिक्सल,
सेव किया। अब नाउ देखते हैं हमारी कैसी स्टाइलिंग हुई है। सी से मेरा कंपाइल हो गया, देखो आगे ना मेरा जब ब्लू सा है ना, इसको कलर और चेंज कर देते हैं, कलर वाइट कर देते हैं, वाइट दिखाई देगा आपको अच्छे तरीके से, वाइट देखो दिख रहा है ना अच्छे तरीके से वाइट। हाँ ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्लेयर कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 16 पिक्सल कर लेते हैं यहाँ पे हम, ताकि अब क्लियरिटी हो जाए हमारे। देखो क्लियर आ गया ना हमारा 16 पिक्सल। अब नेक्स्ट आप देखोगे भी राउटिंग भी होगी मेरी, सब कुछ होगी। होम पे क्लिक किया तो मेरा होम का कंपोनेंट आ गया, अबाउट पे क्लिक किया तो आपका अबाउट का आ गया, कॉन्टैक्ट का आ गया। अब मैं एक चीज़ देख दिखाता हूँ आपको, देखो मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ये मेरी राउटिंग है, कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी। बट आप इसमें एक चीज़ देखोगे, क्या ये सिंगल पेज एप्लीकेशन की आपकी एंकरिंग है? अगर मैं नेटवर्क पे जाऊँ इसके रिक्वेस्ट देखूँ, मैंने क्या किया अभी मेरा कनेक्ट कॉन्टैक्ट के पेज पे है, मैं होम पेज पे आता हूँ तो देखो पेज मेरा रीलोड हुआ, ऊपर ये घूमा आइकन आपने देखा, वो सारी फाइलें फिर से मेरी लोड हुई। अबाउट पे क्लिक किया मैंने, फिर से मेरा घूमा और सारी फाइलें दोबारा से लोड हुई, पेज मेरा रिफ्रेश हुआ। मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, देखो लोड हुआ मेरा पेज, सारी फाइलें मेरी दोबारा से लोड हुई। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो हम एंकरिंग कर रहे हैं ना, वो भी हम रिएक्ट वाली यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंट्स करा रहे हैं कि ये ब्राउज़र में जो आपका यूआरएल हो उसके थ्रू हमारा कंपोनेंट वो लोड हो। अब मुझे क्या करना है कि भाई आप ना जो एंकरिंग है, एंकरिंग भी मेरी रिएक्ट के साथ हो। वो कैसे करते हैं हम? जो आपका हेडर है, जो हम एचटीएमएल में एंकर यूज करते हैं, मुझे ये एंकर यूज़ नहीं करना है, मुझे रिएक्ट राउटर डोम का एंकर यूज करना है। वो हमारा कहाँ से आता है? इम्पोर्ट्स, हमारा आता है लिंक ये वाला फ्रॉम, कहाँ से? सेम आपका वही जो हमने इंस्टॉल किया था रिएक्ट राउटर डोम से, आप यहाँ इसको इंपोर्ट करा लोगे। अब नाउ लिंक, अब मैं अगर मैं यहाँ पे ये यूज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है देखो, और इसके अंदर मैंने क्या किया, राउटर हो गया होम, होम मेरा चला गया, क्या हो गया ये होम, एम नाउ लिंक मेरा यहाँ पे क्लोज हो गया। और जो लिंक है, अगर मुझे पाथ को डिफाइन करना है तो मेरा यहाँ पे टू आएगा, लिंक के साथ हमारा यहाँ पे जाएगा टू, टू में हमारा जाएगा स्लैश, और ये मेरा एंकर लिंक को बंद कर दिया यहाँ पे। सेम चीज़ आपका, सॉरी कंट्रोल वी गया, ये आपका यहाँ पे अबाउट चला जाएगा और यहाँ पे आपका ये कॉन्टैक्ट अबाउट आपका आ गया कॉन्टैक्ट, एंड देन नाउ कॉन्टैक्ट, सॉरी यहाँ ना मैंने कैमल केस, सॉरी स्मॉल में कर लिया तो स्मॉल में जाएगा ये। सेव मैंने किया, अब नाउ नेक्स्ट हम यहाँ चलते हैं, अब हम देखते हैं कंसोल पे। सबसे पहले हम एलिमेंट में चलते हैं, यूएल में गया मैं, देखो एलआई में गया, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इसने क्या किया लिंक टैग को ना मेरे को एज ए एंकर में कन्वर्ट कर दिया। देखो एचआरएफ दिख रहा है ना मेरे को यहाँ पे, मेरा देखो काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। एलिमेंट में देखोगे तो आपका सारा एलिमेंट में आ जाएगा, देखो कनेक्ट के। अब मैं देखता हूँ नेटवर्क में गया, मैंने रिक्वेस्ट को क्लोज किया, अब देखो यहाँ पे भी आप गौर करना और नेटवर्क में भी देखना, मैं भी कनेक्ट पेज पे हूँ। जैसे ही मैं होम पेज पे आया, मेरा राउटर चेंज हुआ, सब कुछ हुआ, पर मेरी रिक्वेस्ट नहीं गई। अबाउट पे गया मैं, देखो अबाउट चेंज हो गया मेरा, कॉन्टैक्ट चेंज हो गया, कंपोनेंट चेंज आ गया। तो अब मैं रिएक्ट की राउटरिंग चेंज कर रहा हूँ। अब रिएक्ट क्या कर रहा है कि भी मेरे पूरे पेज को अपडेट ना करके जो मेरा यूआरएल में जा रहा है, पाथ जा रहा है, उसके बेस पे जो कंपोनेंट मैंने लिंक कर रखा है, कहाँ पर लिंक कर रखा है, अपनी राउटर कॉन्फिग फाइल के अंदर, सिर्फ उसी को लोड कर रहा है। देखो होम पेज पे होम पेज का, अबाउट का अबाउट का, कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट का। ये तो हमारी बेसिक राउटिंग होगी यहाँ पे, जो कि आपको नॉर्मली आनी चाहिए। अब नाउ नेक्स्ट एक चीज़ और देखी होगी आपने, जो कि नोटिस भी की होगी कि मैंने ये जो हेडर कंपोनेंट है यहाँ पे कॉल किया है ब्राउज़र राउटर के अंदर, यहाँ कॉल क्यों किया है? इसके अंदर तो मैं कॉल कर ही सकता क्योंकि यहाँ तो मेरी सारी राउट्स जाएंगे। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे कॉल करता हूँ, भाई मैं इसको कहाँ कहीं भी कॉल करा सकता हूँ ना, मैं इसको यहाँ कॉल कराया और मेरा पेज कंपाइल हुआ। अब देखो नहीं चला ना, आप कंसोल में जाओगे देखोगे तो कैरर आ रहा है यहाँ पे,
एरर पढ़ते हैं पहले हम, एरर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अनकोच एरर यूज एच आर एफ मे बी यूज ओनली इन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए राउटर कंपोनेंट, ठीक है। या तो आपको हिस्ट्री यूज करो या फिर यूज एच आर एफ जो आपने यूज करो कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो राउटर है, देखो जो मैंने ब्राउज़र राउटर लिया है, ब्राउज़र राउटर, इसके अंदर आपका लिंक जो टैग है जो हमने यहाँ पे हेडर में इंपोर्ट करा रखा है ये वाला, वो चलना चाहिए। अब या तो मैं क्या क्या करूँ, ये जो ब्राउज़र राउटर है हेडर के अंदर जाके यहाँ पर भी मैं इंपोर्ट करूँ और इसको एज ए रैपर लगाऊँ तो मैं यूज करूँ, या फिर ऑलरेडी ये ब्राउज़र राउटर मेरा यहाँ पे कॉल है तो मैंने हेडर जो कंपोनेंट्स है वो इसके अंदर कॉल करा दिया यहाँ पर, तो मेरा ये जो लिंक टैग है प्रॉपर तरीके से रन करेगा। ये आपका ना राउटर की चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आप बाहर लगाओगे तो क्या एरर देगा और क्यों नहीं, देखो आग मेरा आ गया, सब कुछ चल रहा है प्रॉपर तरीके से, कॉन्फ़िगरेशन ये चीज़ें। अब नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि मेरा जो होम पेज है, होम पेज में ना सपोज मेरी लिस्टिंग आ रही है कुछ, ठीक है, चलो होम पेज पे चलते हैं हम, कि भाई मेरा प्रोडक्ट है कुछ उसकी लिस्टिंग जा रही है, वो कैसे हम करेंगे। मैंने क्या किया, एक मैंने यूएल बना देता हूँ यहाँ पे भी, मैं सेम यूएल गया, एलआई टैग गया मेरा, एलआई टैग के अंदर मेरा एंकर टैग है, ठीक है। अभी मैं सेम एंकर टैग यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम, क्या है भाई, प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्लैश और प्रोडक्ट की आईडी, आईडी मेरी सपोज क्या है 12 है, ये मैंने डाल दिया क्या अभी, माई प्रोडक्ट 12 बस। और मैंने क्या किया, ये तीन प्रोडक्ट है मेरे सपोज करो, तीनों को मैंने कॉल करा दिया, ये मेरा प्रोडक्ट है भाई 13 और ये प्रोडक्ट है मेरा 14। सेम मेरा जो यूआरएल है, यूआरएल क्योंकि मेरी आईडी बेस है तो मेरा यूआरएल भी चेंज होगा। अब सपोज ये चीज़ आपके पास, ठीक है, अब तो हम सिंगल देख रहे थे, बट अगर मल्टीपल हो तो हम कैसे करेंगे। हाँ भाई सीधा सा, हमें पता है कि एक प्रोडक्ट नाम से है तो प्रोडक्ट नाम से एक हमें और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा और राउटर में जाके लिंकिंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं ब्राउज़र पे देखूँ, देखो मेरे प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पे। अब ना अगर मैं क्लिक करूँ प्रोडक्ट पे, क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि कोई इसके पास कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है। अब नाउ नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा, चलिए चलते हम यहाँ पे, हमारा कहाँ था ये, कंपोनेंट्स, ये रहा फोल्डर, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक फाइल बनाई प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट की स्पेलिंग गलत होगी, प्रोडक्ट डॉट जेएस बस, एक मिनट रुको, ये फाइल ओपन करें ना ज़्यादा, अब पता चला, आप ठीक है। सेम चीज़ वही आपका कि भी जैसे हमने अबाउट में बनाया था, मैं सेम चीज़ उठा के अभी प्रोडक्ट में बना देते हैं हम, ताकि हमें इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। एक मिनट रुको, शायद ही हुआ नहीं है यहाँ से, कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने यहाँ से और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल वी से सॉरी पेस्ट कर दिया, अबाउट की जगह मैंने इसको प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट कंपोनेंट्स, हेलो आई एम प्रोडक्ट कंपोनेंट्स, और ये मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हो गया यहाँ पे, मैंने सेव करा दिया। अभी जो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हैं इसको मैं राउटर की फाइल में जाके इंपोर्ट करा लेता हूँ, कैसे, सेम ऐसी हेडर के साथ ना, हाँ नीचे इंपोर्ट्स फ्रॉम, और भाई यहाँ पे मेरा कंपोनेंट्स के अंदर एंड प्रोडक्ट, सेम चीज़ है। अब नाउ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की हम यहाँ पे राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल करते हैं, एक और राउट्स पाथ स्लैश, क्या पाथ हो, स्लैश प्रोडक्ट और एलिमेंट, एलिमेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, और भाई एलिमेंट के अंदर मैंने अपना यहाँ पे ये पास करवा दिया और सेल्फ राउटिंग को क्लोज करवा दिया, राउट्स को सॉरी। अब ना जो प्रोडक्ट है, तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि होम पेज पे क्या यही चीज़ दी डिफाइन कर रखी मैंने, नहीं इस गलत है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड नाउ प्रोडक्ट्स, सेव किया मैंने पेज। अब देखते हैं, मेरा अबाउट पे गया, मैं कॉन्टैक्ट पे गया, अबाउट पे गया, नाउ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेरा 12 चला गया, कुछ भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट पे है और यहाँ हमारा क्या है, प्रोडक्ट 12।
अब भाई प्रोडक्ट 12 का एक और बनाना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट 13 करना पड़ेगा, प्रोडक्ट 14 करना पड़ेगा, ऐसे तो आपके चार कंपोनेंट बन जाएंगे। और अगर ये डायनेमिक हो तो, कि भी मेरा प्रोडक्ट 1 भी हो सकता है, 100 तक हो, तो क्या आप 100 कंपोनेंट बनाओगे? बताओ, नहीं बनाओगे ना? राइट। हम 100 कंपोनेंट क्यों बनाएंगे भाई? हमें पता है हमारा एक प्रोडक्ट नाम का, डिटेल नाम का पेज है, उस पर हमारी आईडी बेस जाएगा, तो हमारा आईडी बेस वहाँ पे डायनेमिक होगी वो यूआरएल। तो उस डायनेमिक को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं गया प्रोडक्ट के साथ, यहाँ मैं लगाऊंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा भाई, यहाँ पे स्लैश ये वाला आईडी, प्रोडक्ट आईडी मैंने ये डिफाइन कर दिया यहाँ पे, कि भी स्लैश के बाद जो भी आए डबल डॉट, यानी कि आईडी होना चाहिए मेरा। आगे मेरा प्रोडक्ट कंपोनेंट, अबाउट पे जा रहा हूँ मैं, होम पे गया, 13 पे गया, प्रोडक्ट मेरा 13 आ गया, प्रोडक्ट 13 आ गया। अब ये पेज रीलोड क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने वहाँ पे एंकर टैग यूज़ नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले हम जाके एंकर टैग यूज़ करते हैं। एंकर टैग कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ पे सेम वही चीज़ जो हमने हेडर में की थी, लिंक को हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डोम से। होम पे गया मैं, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कराया, और जो लिंक टैग है, लिंक टैग आपका यहाँ पर चला जाएगा, और ये जो आपका एच आर एफ है, ये आपका चला जाएगा टू के अंदर, टू ये लो, ये आपका टू के अंदर आ गया। अब नाउ माई प्रोडक्ट 12, अब ये आपका यहाँ पे आ गया, इसको हटा देते हैं, और लिंक जो आपका प्रोडक्ट है उसको हम स्पेसिफिकली यहाँ लेके जाते हैं। ये 12 आ गया, और ये मेरा 13 हो गया, और ये मेरा 14 हो गया, ये मेरा 13 प्रोडक्ट हो गया, और ये मेरा 14 प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। अब अगर आप जाकर देखोगे तो भाई हमारा कहाँ गया, मैं होम पेज पे आया, प्रोडक्ट 12 पे आया, होम पेज पे गया वापस, 13 पे गया, देखो सेम मेरी फंक्शनैलिटी चल रही है, 14 आ गया, आई एम प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। अब मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा जो ये आईडी है 14 है, मैं 14 पे हूँ, ये मेरा ही कॉल है, तो मुझे ये आईडी भी प्रिंट करानी है यहाँ पे। तो उस आईडी को प्रिंट कराने के लिए कहाँ पे है मेरा ये यूज परम में, तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट पे जाएंगे जो मेरा यहाँ पे है, और प्रोडक्ट के अंदर रिएक्ट राउटर डोम के अंदर ना हमें एक और मिलता है यूज परम, यूज परम, ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम में। अब इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, पी ए आर ए एम एस परम इक्वल टू यूज परम, इसको मैं कॉल करूँगा यहाँ पे। अब ये क्या है, इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या स्टोर करके रखता है, क्या मुझे ये देगा, चलिए एक बार ना हम कंसोल कर लेते हैं। कंसोल में ना हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ना जो हम दिमाग में सोचते हैं क्लियर हो जाती है। कंसोल डॉट लॉग, अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे क्या करना है, कि भी जो मेरा परम्स है, जो मैंने फंक्शन ये कॉल कर दिया, मैंने इंपोर्ट किया रिएक्ट राउटर डोम से, इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या मुझे वो यूज करना चाहिए, तो मुझे ना काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। आ गया मैं प्रोडक्ट के पेज पे, गया मैं 12 पे, देखो क्या मिला मेरे को, परम के अंदर इंफॉर्मेशन मिल गई भाई, प्रोडक्ट आईडी। आप अब पूछ रहे होगे पर डोकट आईडी ये क्या चीज़ है, ये तो मिसमैच ना, नहीं देखो मैं जो हमने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िग के अंदर मैंने क्या डिफाइन किया था, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी जो आप ये नाम डिफाइन करोगे ना यहाँ पे, वही आपका आईडी के रूप में आपको यूज परम के थ्रू वहाँ पर मिलेगा, कहाँ पे, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर देखो मिला ना प्रोडक्ट आईडी, देखो ये रहा प्रोडक्ट आईडी क्या है, 12 है। वापस मैं होम पेज पे आया, 14 पे गया, 14 चेंज हुआ, तो मेरे को प्रोडक्ट आईडी मिल गया, देखो 14 मिल गया ना, सेम यही चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाके, जो मेरा परम होगा हैं, कंपोनेंट में गया मैं, और भाई इसके नीचे मैं एक ना H2 टैग कर देता हूँ यार, ये ना वो काम नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी मेरा क्या जाएगा, परम्स के साथ जो क्या है मेरी प्रोडक्ट आईडी जो मुझे एज ए ऑब्जेक्ट में मिल रही है, तो वो मैं यहाँ पे यूज करूँगा प्रोडक्ट आईडी। अब देखो आ गया मेरी प्रोडक्ट आईडी क्या है, 14 है, अबाउट पे गया मैं, 13 पे गया, 13 आ गई, तो यानी कि यहाँ पे मेरा डिफरेंशिएशन हो गया है,
कि भी जो मैं प्रोडक्ट पेज की इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ यहाँ पे वो क्या है। अब इस पे आप क्या करोगी, आईडी आपको मिल गई है प्रोडक्ट की, आप एक्सियोस के थ्रू एपीआई कॉल कर सकते हो, डेटा ला सकते हो, यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। और एक्सियोस के थ्रू एपीआई कैसे कॉल करते हैं, मैंने क्रूड नाम से एप्लीकेशन बनाई है, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, और उससे प्रीवियस वीडियो में एक्सियोस को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम डाटा फैचिंग करते हैं, डाटा लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें आप देखना। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें कंबाइनेशन करेंगे राउटिंग की विद एपीआई के साथ डेटा लेने के साथ, जैसे ये ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया अभी वन लेवल, ठीक है। आईडी आ गई मेरी प्रोडक्ट। अब सपोज करो मेरे को ना आईडी के बेस पे कुछ और भी चाहिए होगा, कि भी कैटेगरी बेस आ जाए या समथिंग कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ आईडी आ जाए, हुएस आईडी आ जाए एक्सेट्रा, वो हम कैसे करेंगे। सेम चीज़ करनी है हमने, कुछ नहीं करनी है। जैसे मेरा प्रोडक्ट 13 था ना, अब 13 के बाद क्या है, सपोज मेरी यहाँ पे कैटेगरी जाएगी, कैटेगरी क्या जाएगी, लैपटॉप होगी सपोज, ठीक है। अब भाई 13 के बाद मेरा यहाँ पे क्या आ गया है, लैपटॉप के बाद मोबाइल आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ पे भी लैपटॉप डाल देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो लैपटॉप है ये आपको किस चीज़ में मिलेगा और ये कैसे काम करेगा, मैं राउटर कॉन्फ़िग में गया। अब भाई जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है ना, प्रोडक्ट आईडी के बाद जो मुझे मिले वो मुझे किस में मिले, प्रोडक्ट कैटेगरी में, CAT कर दिया मैंने, बस पेज को मैंने सेव किया, वापस मैं यहाँ पे आया होम पेज पे। अब देखो 12 है, यूआरएल मेरा क्या है, प्रोडक्ट स्लैश लैपटॉप। अब देखो परम में मुझे क्या मिला, प्रोडक्ट आईडी मिली यहाँ पे देखो, और प्रोडक्ट कैटेगरी मिली। अभी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ कहाँ पे, अपने प्रोडक्ट पेज पे जो मुझे यूआरएल में मिला है। अब जैसे ये H2 है, मैं एक H2 और ले लेता हूँ यहाँ पे, मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी CAT, मैं शॉर्ट फॉर्म कर लेता हूँ कैटेगरी, ठीक है। अब नाउ सेम चीज़ जिस नोड में मुझे मिल रही है परम्स डॉट प्रोडक्ट कैटेगरी, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सॉरी ये आईडी की जगह चला गया, ये ना नीचे आना था, ठीक है, सेव करा दिया मैंने। अब नाउ देखते हैं हम, आ गया मेरा देखो प्रोडक्ट आईडी आ गया और प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया लैपटॉप। होम पेज पे गया मैं, 13 पे आ गया, प्रोडक्ट कैटेगरी मेरी मोबाइल आ गई, आईडी मेरी 13 आ गई। होम पे गया 14 गया, प्रोडक्ट आईडी मेरी 14 एंड प्रोडक्ट कैटेगरी मेरी लैपटॉप। तो ये आपकी नेस्टेड हो गया, कि भी आप और ज़्यादा लेवल डीप में जाना है तो आप सेम ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। अब नाउ एक चीज़ और देखते हैं हम, क्या देखते हैं कि सपोज करो प्रोडक्ट 13 पे आ गया, अब यहाँ पे तो मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, बट अगर मेरे को यहाँ पे कुछ बैक बटन लगाना है, कि भी उस बटन के ट्रिगर पे एक्शन करना है, कि भी बैक टू होम, वो हम कैसे करेंगे। अब उसके लिए मैं प्रोडक्ट में गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने बटन लगाया BOTTON बटन, बैक टू होम बस। अब इस पर मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा मैं, ऑन क्लिक, क्योंकि मुझे राउटिंग का मैं क्या बोल रहा हूँ, इवेंट के थ्रू जाना है मेरे को। हैंडल क्लिक बैक, हम ये डिफाइन कर देते हैं बस मैं यहाँ पे। और इस फंक्शन को मैंने क्या किया, यहीं पर ही कॉन्स्ट एक फंक्शन बनाया मैंने, और भाई इसको मैंने क्या किया, कंसोल करा लेते हैं हम, पहले सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ना हमारा, कंसोल करा लेते हैं क्या भाई, क्लिक बटन, इसको स्लैश को हटा देते हैं हम यहाँ से, ये लो। अब नाउ मैं बटन पे आया हूँ, इसको मैंने किया, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, बैक टू होम, देखो मेरा क्लिक काम कर रहा है, बैक टू होम। अब नाउ नेक्स्ट मुझे ना क्लिक पे क्या करना है, बैक करना है एंकर लिंकिंग के थ्रू, नहीं तो ना हमारा एक और आता है इसमें, वो हमारा क्या करता है, हमारी जैसे हिस्ट्री आती है यूज़ जो परम है ना, यूज़ परम के साथ यूज हिस्ट्री, यूज हिस्ट्री होता है ना, एक बार देख लेते हैं। और मैंने क्लिक बटन के साथ यूज हिस्ट्री को कॉल किया, क्या था भाई, प्रोडक्ट डॉट यूज हिस्ट्री वाज नॉट फाउंड, रिएक्ट रोट राउटर डोम, ओके। तो भाई इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे,
यूज हिस्ट्री, USCHISTORY, हिस्ट्री, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, फ्रॉम रिजेक्ट आउटर डोम में आ गया हमारा यूज हिस्ट्री, यूज हिस्ट्री हमारा नहीं आया। तो एक काम कर लेते हैं ना, एक उसको हम एक क्या कहते हैं वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, कॉन्स्ट हिस्ट्री इक्वल टू यूज हिस्ट्री, कॉन्स्ट की स्पेलिंग की एरर किया और हिस्ट्री, यूज हिस्ट्री के साथ हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा कर देखते हैं। हमारा होम पेज पे आया प्रोडक्ट डॉट जे एस, यूज हिस्ट्री इम्पोर्ट एज ए यूज हिस्ट्री इम्पोर्ट एज ए हिस्ट्री वॉज नॉट फाउंड इम्पोर्ट, रिएक्ट राउटर डोम यूज फॉर्म आ गया हमारा यूज हिस्ट्री, एक ना गूगल पे देख लेते हैं एरर मास्टर हिस्ट्री है ना, वॉज नॉट फाउंड रिएक्ट राउटर डोम, क्योंकि हमारा ये टाइप का एरर आता है। कुछ नहीं करना आपने, इतना उठा के डालना है, ठीक है। तो नाउ मे भी हो सकता है यूज नेविगेशन, ओके यूज हिस्ट्री नो टेक्स्ट टैग, मॉडल नॉट फाउंड। अगर मैंने गूगल पे मारा, गूगल क्या कहता है, अभी सेम एरर औरों को भी आया है, और उसके अलावा यूज हिस्ट्री यूज किया उसने भी बट गोट एरर। उसके बाद क्या किया, आई ऑल्सो इंस्ट्रक्चर ये गया ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाओगे ना, देखो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इसको यहाँ पे, आई थिंक योर रिएक्ट आउटर डोम पैकेज मॉडल इज वर्जन 6, इफ़ यू इंस्टॉल द मोमेंट यू हैव टू यूज यूज नेविगेट इंस्टेड ऑफ यूज हिस्ट्री। अगर आपका रिएक्ट राउटर डोम का जो मॉड्यूल है वर्जन 6 है, हमारा क्या है हम चेक कर लेते हैं। देखो आपका आ जाएगा यहाँ पे पैकेज डॉट जेसोन में, हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया भी था, ये रहा हमारा 6 है राइट। तो हमारा 6 में ही काम नहीं करेगा क्योंकि अपडेटेड से, मैंने इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको पता होना चाहिए अगर कोई बग आता है एरर आती है तो हम कैसे यूज करते हैं। नाउ हम प्रोडक्ट में जाते हैं, क्या कहता है भाई ये हमें, यूज नेविगेट यूज करो आप, ठीक है यूज हिस्ट्री की जगह मैंने यूज नेविगेट किया। नाउ नेक्स्ट, अब हम यूज नेविगेट कर लेते हैं यूज, अब हम चेक करते हैं क्या हमारा कोई एरर आया, नहीं भाई अभी हमारा कोई एरर नहीं आया। मैं गया प्रोडक्ट 13 पे, देखो आ गया मेरा परम्स आ गया यहाँ पे, मोबाइल्स आ गया, कैटेगरीज आ गई, आईडीज आ गई। बैक टू होम पे अगर मैं जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा क्या कॉल होगा, बैक टू होम पूरा पूरा है जाइए ऑप्शन कॉल हो गया आपका यहाँ पे, कौन सा वाला हिस्ट्री वाला, सॉरी इसको ना नेविगेट कर लेते हैं, हिस्ट्री नहीं क्योंकि हिस्ट्री तो हमारा डिग्रीगेट हो गया और इसके जगह यूज़ नेविगेटर आ गया है नेविगेट। तो आप नेविगेट को प्रिंट करा सकते हो, तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा पूरा है, फंक्शंस दे रहा है आपको क्लिक बटन पे टू ऑप्शंस पे। अगर मैं इसमें चेक करूँ कि हाँ भाई आ गया, तो ये क्या कर रहा है हमें नेविगेट करने के लिए बोल रहा है कि आपका जो नेविगेट है उसमें ले लिया और उसके अंदर कॉल करने के लिए बोल रहा है ये, यानी कि ये एज ए फंक्शन आ रहा है। देखो आपका टू एंड ऑप्शन टू यानी कि जहाँ पे जाना है। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, एलिमेंट सॉरी कंसोल पे आ जाते हैं यहाँ पे हम, मैंने नेविगेट की जगह हमारा यहाँ पे इसको हटा दो, और आपका जो था नेविगेट किया, और नेविगेट को हमने यहाँ पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद इसमें मुझे क्या पास कराना है, मुझे किस पेज पे इसको भेजना है, होम पेज पे भेजना है। आपका पेज सेव हो गया, अब हम चेक करते हैं, देखो बैक टू होम क्लिक किया, देखो होम पेज पे आ गया, मैं 13 पे आ गया, बैक टू होम 14 आपका बैक टू होम आ गया, सेम चीज़ आ गया। अब इसमें एक चीज़ और आती है, आप देखोगे मैं ना सब कुछ हार्ड कोड लिखा हुआ है, सब कुछ टाइप किया हुआ है, बट जैसे जो प्रोडक्ट 12 है 13 है 14 है, बस ये आपकी एपीआई के थ्रू भी आ सकती है, आपको एपीआई के थ्रू लेके आना है। वो बेसिकली क्या है, या तो आप इसके एक जेसोन बना दो, जेसोन के थ्रू आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप एपीआई के थ्रू है डाटा आएगा उसके थ्रू आप प्रिंट करा सकते हो। नाउ लास्ट इसके ना चलिए ना जेसोन बनाते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट डेटा, ठीक है प्रोडक्ट डेटा के अंदर मैंने एक
एरे लिया और एरे के अंदर मैंने क्या किया, आईडी डिफाइन कराई। आईडी मैंने कर दी वंस एंड नेम मैंने डिफाइन कर दिया प्रोडक्ट, ठीक है। और एक मैंने डिफाइन कर दी कैटेगरी, कैटेगरी मेरी ये है लैपटॉप, लैपटॉप बस। अब मैंने क्या किया, सॉरी प्रोडक्ट में स्पेलिंग गलत हो जाती है बार बार, प्रोडक्ट। मैंने क्या किया, सेम डेटा को ना यहाँ पे ऐसा डेटा आपको मिलेगा, या हम चार कर देते हैं प्रोडक्ट। इसकी आईडी मेरी 3 है और इसकी 5 है और इसकी मेरी 7 है। प्रोडक्ट है भाई, प्रोडक्ट मेरा 3 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा कर दो, मेरा 5 कर दो, और यहाँ पे मेरा कर दो ये 7। लैपटॉप है, मैंने मोबाइल कर दिया होम एप्लीएंस, होम एप्लीकेशन एप्लीएंस होगा, ठीक है, एपीएल्स कर देते हैं। और यहाँ हम कर देते हैं पीसी, पीसी कैटेगरी के लिए बस। अब जो प्रोडक्ट डेटा है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पर लूप लगाना है। प्रोडक्ट डेटा डॉट मैप गया, और मैप के अंदर मेरा कॉल बैक फंक्शंस, और कॉल बैक फंक्शंस के अंदर मेरा क्या गया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैंने क्या किया अपना एल आई को रिपीट करा लिया बस। अब इसमें क्या जाएगा, एक मेरा की जाएगा, सॉरी की बेसिकली क्या होता है आपका ना वर्चुअल डोम के लिए होता है। और इसमें मेरा क्या जाएगा आइटम, मैं आइटम डाल देता हूँ यहाँ पे सिर्फ आइटम डॉट आईडी, मतलब कि डोम आपको पहचान ले कि भी आपका एक वर्चुअल डोम है, और यहाँ एक सेपरेट करके इसमें कुछ अगर अपडेट होता है तो सिर्फ इसको अपडेट करके आपका जो एक्चुअल डोम है उसको अपडेट करें। अब हम यहाँ आ गए, अब नाउ एलआई के अंदर हमारा जाएगा यहाँ पे ये लिंक टैग। तो हम डायनेमिक यूआरएल कैसे बनाते हैं अब हम आपको वो बताएंगे। यहाँ पे सिंपली हमारा एलआई रिपीट होगा, और इस कोड को हम यहाँ पे डिलीट मार देते हैं। देखो कुछ नहीं करना मेरे को, क्यों मैं फालतू का एचटीएमएल रिपीट करूँ, एक सिंगल बना के उसी को हम यहाँ पे प्रोडक्ट के थ्रू कर सकते हैं। अब नाउ ये मेरा लिंक है, ठीक है, चलिए इसी को देखते हैं हम कैसे करते हैं। मैंने लिया और इस पर मैंने बैकटिक्स किया, सॉरी सबसे पहले तो हमने भाई बैकटिक्स ही कर लेते हैं, बैकटिक्स सॉरी बैकटिक्स में जाएगा आपका ब्रैकेट्स के अंदर। अब प्रोडक्ट जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगी आपकी आईडी जाएगी डॉलर, आपकी क्या है आइटम डॉट आईडी, एंड ये आपकी यहाँ पे क्या जाएगी कैटेगरी, सॉरी डॉलर, और यहाँ पे जाएगी आपकी आइटम डॉट मेरी क्या नाम था यहाँ पे कैटेगरी, CAT नाम से कैटेगरी, ये उठाया आपने और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद क्या है, मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम मेरा क्या है, नेम है, तो मेरा यहाँ पे नेम प्रिंट होगा, जो मेरा ये वाला प्रोडक्ट गया ना यहाँ पे, इसको एंटर मार देते हैं ताकि हमारा ये आपको क्लियर दिखाई दे। ओके ये पूरा कॉपी हो गया भाई नेम ना, कंट्रोल एक्स किया इसको यहाँ से हमने, और इसको हटाया, हटाओ भाई तुम ज़्यादा क्यों जा रहे हो, नेम बस सिंपल। मैंने देखो कितना छोटा कोड कर दिया मैंने, आप देखोगे प्रोडक्ट आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। चला के देखें प्रोडक्ट 5 में क्या है, मेरा प्रोडक्ट 5 आ गया, होम आ गया, एप्लीकेंस आ गया, होम एप्लीकेंस मेरी कैटेगरी आ गई, बैक टू होम गया मेरा काम कर रहा है, प्रोडक्ट 7 गया मेरा, पीसी आ गया काम कर रहा है मेरा। तो ये बेसिकली है, ये आपका डायनेमिक हो गया पूरा प्रॉपर, और आपको यहाँ पे कंसोल में भी दिखाई दे रहा है, कनेक्ट में जा रहे हो, अबाउट में जा रहे हो, होम पे जा रहे हो। अगर मैं नेटवर्क टैब में जाऊँ यहाँ पे, देखो नेटवर्क टैब में गया मैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अभी के लिए, प्रोडक्ट 7 पे गया, कुछ नहीं है, ये फेविकॉन की रिक्वेस्ट जा रही है बस, वो तो पहली बार आपकी जाती है, नहीं मिलता तो देखो ये सारी चीज़ें हैं, है ना कितना ईजी। तो भाई ये था आपका रिएक्ट राउटर डोम, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ये यूज करो। इसके साथ ना हम नेक्स्ट एप्लीकेशन लेके आएंगे हम, या हमारा ना यहाँ पर बेसिक जो है बेसिक पूरा कवर हो चुका है रिएक्ट आपकी। इतना आप कर लोगे ना आप इजीली एक स्टेटिक ऐप बना सकते हो विद एपीआई के साथ, सिंपल। और आपने अगर एपीआई के साथ एक बार ऐप बना ली तो आप काम करने के लिए रेडी हो। नाउ नेक्स्ट वीडियो में ना हम एक छोटी सी जो हमने अब तक वीडियो बनाई है बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज में, एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के बाद हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के जो भी फंक्शंस है जो यूज होते हैं
रिएक्ट के वो यूज करेंगे नाउ। तो भाई सब कुछ इतना सही है, सेम मैं वही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगो अच्छी सॉरी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी मैं इसका कोड भी ना डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, गिटहब डाल के मैं गिटहब पे कोड डाल दूँगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बस इतना ही है। ओके टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।